हेलो एवरीवन, एंशिएंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है दो पार्ट्स में कवर किया जाएगा, तो पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसे जो है इनिशियली हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते थे, क्योंकि जो फर्स्ट साइट डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पा, जिसकी वजह से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया इनिशियली। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पाई गई, तो नियर अबाउट 2000 साइट्स जो हैं डिस्कवर की जा चुकी हैं। तो इसीलिए अब इसे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। बात करूं इसके टाइम पीरियड में दुनिया में और कौन कौन सी सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, तो वो है मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता इजिप्ट में। ये तीनों जो थी एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी फ्लरिश कर रही थी। बात करूं इसकी लोकेशन की, तो जो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, स्पेशली जो सरस्वती नदी है उसके किनारे जो हैं ये मैक्सिमम साइट्स इसकी पाई गई हैं। सरस्वती जो है आज तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ये जो पहले थी एक अच्छी भरपूर नदी थी, और आज इसका सिर्फ एक जो है रेमनेंट, जो कि एक सीजनल रिवर जिसे घग्गर बोलते हैं, वो रह गया है। ये हरियाणा और जो राजस्थान है वहाँ से फ्लो करती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में इस रिवर को जो है हकरा नाम से जाना जाता है। बात करूँ इसके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके एक्सटेंट की, तो कश्मीर में मांडा नामक जगह है, वहाँ से ये गुजरात तक फैला हुआ है, और मेरठ में यूपी में अलामगीर नामक जगह है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है सुख्त गेंदूर नामक स्थान है। ये इसका क्या है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है, अलामगीरपुर से लेके सुख्त गेंदूर बलूचिस्तान, और जो नॉर्थ साउथ है वो है कश्मीर से लेके गुजरात तक। इसकी जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो कहाँ, पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पाकिस्तान के कौन से इलाके में, सिंध और जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पर मैक्सिमम साइट्स इसकी पाई जाती हैं, और इंडिया में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन इलाकों में जो है इसकी साइट पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं मैप में एक बार कि इसकी साइट्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये देखिए, ये है वो हकरा नदी जिसे घग्गर बोलते हैं, और ये मोहनजोदाड़ो जो कि इंडस नदी के किनारे है, और ये रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा बसा हुआ है, राखीगढ़ी हिसार में है हरियाणा में, कालीबंगा देखिए राजस्थान में, कोट दीजी हो गया, चन्हुदारो हो गया, ढोलावीरा गुजरात में, सूरकोटड़ा, लोथल आदि जो ये सारे क्या हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। बात करूँ इसकी डिस्कवरी के बारे में, तो जो इसकी डिस्कवरी थी ये एक बाई चांस यानी कि सेरेंडिपिटी में इसकी खोज हुई थी। कुछ चीज़ जब अचानक मिलती है तो उसे सेरेंडिपिटी बोलते हैं। तो ये जो साइट थी ये भी ऐसे ही डिस्कवर हुई थी। हुआ क्या था, 1856 से लेके 1857 के बीच में जो था लाहौर से कराची के बीच में जो है एक रेलवे लाइन बन रही थी, तो उस रेलवे लाइन को जो मजदूर बना रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक पास ही एक गांव था जिसे कि मतलब वीराना यानी कि बंजर गांव बोलते थे, वहां से वो ईंटें उठा के ला रहे थे और उनको क्रश करके जो है स्लीपर्स के बीच में जो है पत्थर बिछा रहे थे और पटरी का काम कर रहे थे। जब ब्रिटिश इंजीनियर वहां पहुंचे तो उन्होंने इस चीज़ की इंक्वायरी की, तो उनको लगा कि ये कोई प्राचीन साइट हो सकती है, इसीलिए जो है अलेक्जेंडर कनिंगम को इसके बारे में बताया गया, जो कि उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे 1850 से लेके 1860 तक। तो वो यहाँ आए और यहाँ से कुछ वो सील्स वगैरह लेके गए और उन्होंने जो है उनको पब्लिश भी किया। तो जो खुदाई का काम था यहाँ पर शुरू हो चुका था अलेक्जेंडर कनिंगम के अंदर, और फिर धीरे धीरे जो मैक्सिमम जो लार्ज स्केल पे जो खुदाई का काम किया गया वो किया गया 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। तो उस टाइम पे ये क्या थे, एएसआई के चेयरमैन जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी का जो जिनको की
सर जॉन मार्शल ने बोला था खुदाई का काम के लिए, तो उसमें सबसे ऊपर हैं राय बहादुर साहनी और MS वत्स जो कि हड़प्पा की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं, और रखल दास बनर्जी या फिर RD बनर्जी जो है इन्होंने मोहनजोदाड़ो को खोजा था। और फिर आगे कंटिन्यू 1944 में भी जो है मॉर्टिमर व्हीलर ने जो है इस काम को आगे कंटिन्यू किया। और जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद भी दोनों कंट्रीज़ के जो ASI के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये आपस में मिलके जो है साइट्स को ये लगातार ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है चालकोलिथिक कल्चर यानी कि जो कि नियोलिथिक एज के अंदर फॉल करता है, तो जो ये IVC है इंडस वैली सिविलाइजेशन ये भी इसी का पार्ट है, तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है क्योंकि कॉपर का यूज़ यहाँ पर मैक्सिमम किया गया था। बात करूँ इसके टाइम पीरियड की तो इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, अर्ली मैच्योर और लेट फेज यानी कि ओल्ड फेज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है इसकी जो मैच्योर फेज है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो ये साइंटिफिक जो ये डेवलपमेंट हुए थे यहाँ पर वो इसी फेज़ के दौरान हुए थे। और इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, अर्ली वाला जो है 3300 BC से लेके 2600 BC तक रहा, और मेच्योर जो है 26 से लेके 1900 BC, और जो ओल्ड है 1900 से लेके 1400 BC तक है। तो ओल्ड में जो ये लेट जो ये पीरियड था इस टाइम पे जो था इसका जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम डिक्लाइन हुई थी इसको, मतलब काफ़ी 400-500 साल का टाइम इसने लिया था डिक्लाइन होने में। और रीसेंट जो ये साइट खोजी गई है राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये जो यहाँ चीज़ें मिली हैं ये नियर अबाउट 7000 ईयर ओल्ड है, तो ये जो है काफ़ी पीछे लेके जा रहा है इस टाइम को, तो देख लीजिए है ना। तो जैसे जैसे चीज़ें मिलती रहती हैं तो ये डेट्स वेरी करती रहती हैं, लेकिन जो एक स्टैटिक जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पीरियड याद रखना है वो ये वाला याद रखना है। बात करूँ इसकी टाउन प्लानिंग की तो यहाँ पर क्या था, जो लार्ज अर्बन सेंटर्स थे सपोर्ट किए जाते थे वो स्मॉल रूरल एरियाज से। जो रूरल एरियाज थे वहाँ पर क्या था, खेती होती थी और खेती का जो सरप्लस था उसको जो है अर्बन सेंटर्स सिटीज़ में भेजा जाता था इनकी फूड की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए। तो अर्बन सेटलमेंट यहाँ पर प्रेजेंट थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है इंडिया की वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है। बात करूँ टाउन प्लानिंग के अंदर तो इनके जो टाउन जो है दो हिस्सों में बटा था, ठीक है, तो एक था सीटाडल और एक था लोअर टाउन। जो सीटाडल था उसका जो निर्माण किया जाता था वो थोड़ा सा एक ऊंचे पोडियम पे बनता था। बोला जाता है कि जो ये सीटाडल है ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था सिटी का, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे कि ग्रेट पाथ और जो ये ग्रीनरी है ये सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं सीटाडल के अंदर ही पाए जाते हैं। और मोस्टली यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर वर्क था इस सिटी का वो यहाँ पर रिसाइड करता था, सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिस यहीं पर थे। और इसको जो ऊंचे पोडियम पे बनाया जाता है, इसको बनाए जाने का कारण बताते हैं कि ये क्योंकि नदियों के किनारे ये जो है शहर बसे हुए थे तो वहाँ पर जो है फ्लड वगैरह आते रहते थे, तो इससे बचने के लिए भी जो है इसको थोड़ा ऊंचा रखा गया था, और साथ ही जो है ये बिल्कुल सेंटर ऑफ टाउन में होता था तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करता था। और जो ये लोअर टाउन है ये जो क्या है सिटाडेल के अराउंड जो है लोअर टाउन होता था, और यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल जो रहने की जगह थी लोगों के लिए वो सारी यहीं पर लोअर टाउन में देखने को मिलती हैं। बात करूँ इनकी जो स्ट्रीट्स होती थी तो वो स्ट्रीट्स जो होती हैं वो ग्रिड पैटर्न में बनी होती थी, साउथ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी। और यहाँ पर देखा गया है कि पूरा जो ये कश्मीर से लेके गुजरात तक जितना भी साइट्स हमें मिली हैं यहाँ पर जो है एक यूनिफॉर्म साइज्ड बर्नड ब्रिक का यूज़ किया गया है, इसी की वजह से जो है इसे वन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और जो ब्रिक की जो रेशियो थी वो थी 4:2:1, तो ये हर जगह जो है कॉमन यही रेशियो देखी गई है।
बात करूं इनकी जो सैनिटेशन के बारे में, तो जो ये हर एक घर पे क्या था, एक वॉशरूम होता था, और उस वॉशरूम से जो भी वेस्ट वाटर जो था वो नालियों के थ्रू जो है बाहर निकाला जाता था, और वो बिल्कुल फिर मेन पाइप में मिलके उसको टाउन के बाहर किया जाता था। और जो इनका ये सारा जो ड्रेनेज सिस्टम था ये सारा कवर्ड होता था, और जो इनका पूरा टाउन है इसको प्रोटेक्ट किया जाता था वॉल्स के थ्रू, ताकि जो ये फ्लड वगैरह है और एक प्रोटेक्शन के लिए इस चारों ओर क्या दीवार बनाई जाती थी। बात करूं यहाँ के लोगों की, तो वो कॉस्मोपॉलिटन थे, यानी कि वो क्या है ट्रेड करते थे। ट्रेड वो विद इन आपस में भी करते थे, जैसे कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो आपस में भी ट्रेड करेंगे, और साथ ही में जो मैंने बताया आपको जो वर्ल्ड की जो और सिविलाइजेशन थी जैसे मेसोपोटामिया वगैरह, नील नदी सभ्यता, यहाँ के लोगों के साथ भी जो है इनके ट्रेड के प्रमाण मिले हैं। तो इसीलिए यहाँ के लोग जो थे कॉस्मोपॉलिटन थे, और उनका जो प्राइमरी जो वर्क था वो एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर का अच्छा मतलब सरप्लस प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से ही जो है ये सप्लाई करते थे शहरों को भी, जो अर्बन सेंटर्स थे वहाँ पर भी अनाज जाता था, और कुछ अनाज जो है ट्रेड भी किया जाता था। आर्टिसंस भी यहाँ पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो टेराकोटा के जो फिगर्स हैं और जो ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं वो भी हमें मिली हैं, तो ये जो है इनका निर्माण किया करते थे। और साथ ही जब यहाँ पर कुछ स्केलेटन्स की जो डीएनए स्टडी की गई, तो उससे पता चला कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर जो है मल्टी एथनिसिटी वाले लोग रहते थे, वो एक रेस को बिलोंग नहीं करते थे, वो मल्टी एथनिक थे। और यहाँ पर जो मैंने बताया आपको जैसे कि सिटाडेल जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर जो थे सिटी के, ट्रेडर वगैरह थे, उनके घर जो थे यहाँ होते थे ऊपर, और जो लोअर जो ये टाउन है यहाँ पर जो है क्राफ्ट्समैन वगैरह सारे नीचे रहते थे। तो यहाँ पर क्या था क्लास जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो देखने को मिलता था। और यहाँ पर जो है औरतों की जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ पर जो है मोस्ट कॉमनली जो मदर गॉडेस का कल्ट पाया गया है हर एक साइड से, तो कह सकते हैं कि औरतों की यहाँ पर अच्छी पोजीशन थी। बात करूँ जानवरों की, तो एलिफेंट, राइनो, हम्प्ड बुल, काऊ, गोट, शिप, इन सभी को ये जो है डोमेस्टिकेट करते थे, और इन सभी का जो एविडेंस है वो पशुपतिनाथ सील के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। और साथ ही जो घोड़ा है, घोड़े की जो कंकाल है वो सूरकोटड़ा में देखने को मिला है, और लोथल में घोड़े का जो है फिगरिन देखने को मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि घोड़े का कंकाल और कहाँ मिला है, ठीक है, कंकाल सूरकोटड़ा में और लोथल में उसका फिगरिन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बात करूं एग्रीकल्चर की, तो व्हीट और बार्ले जो था इनका मेन सोर्स ऑफ जो फूड है वो ये थे, और कुछ लेंटिल और सिसमे वगैरह भी हमें देखने को यहाँ मिले हैं। और राइस, राइस का जो एविडेंस मिला है हमें कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, और बार्ले यानी कि जौ, जौ का हमें मिला है जगह है बनावली, वहाँ से हमें जौ का एविडेंस मिला है। और जो सारी ये जो इंडस नदी की जो साथ साथ जो ज़मीन है वो बहुत ही फेवरेबल थी कॉटन प्रोडक्शन के लिए, तो हमें जो है कॉटन का एक्सपोर्ट के एविडेंस भी जो है यहाँ से मिला है। कहाँ के लिए, मेसोपोटामिया में जो है ये कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे। और कुछ इरिगेशन स्ट्रक्चर्स जैसे कि वाटर टैंक्स जो हैं हमें धोलावीरा गुजरात में देखने को मिले हैं, और जो रेस्ट बाकी साइट्स हैं वहाँ पर जो हैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, ये मोस्टली जो थी रिवर फ्लड के ऊपर जो है इरिगेशन के लिए डिपेंड करती थी, लेकिन धोलावीरा में जो है वाटर टैंक्स हमें देखने को मिले हैं। तो इनका जो ट्रेड था वो मैंने बताया आपको कि सुमेर नामक जगह थी मेसोपोटामिया में, वहाँ ये ट्रेड करते थे, क्योंकि वहाँ पर सुमेर में हमें क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है काफ़ी सील्स मिली हैं। और ये जो ट्रेड करते थे ये थ्रू बोट, और फिर बोट के थ्रू करते थे, तो बोट के थ्रू कहाँ से, सी रूट के थ्रू करेंगे, और ये लैंड रूट का यूज़ भी करते थे। तो जो बोट्स होती थी वो फास्ट जो थी ट्रेड करने में हेल्प करती थी, तो इसीलिए ये जो IVC है इतना फ्लरिश कर रहा था। और साथ ही जो आपस में भी जो ट्रेड करते थे, तो ये जो रिवर इंडस थी ये हेल्प करती थी इनको ट्रेड करने में, और ये समुद्र के रास्ते जो हैं इराक, जैसे इराक और जो नील नदी है
नाइल इजिप्ट में भी पहुंचते थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो वेट्स का यूज़ करते थे, जिन्हें बाट बोलते हैं, वो ये यूज़ करते थे 16 के मल्टीपल में। तो आज हम जैसे करते हैं ना कि 5 के मल्टीपल में, है ना, तो उस टाइम पे जो था 16 के मल्टीपल वाले बाट का यूज़ किया जाता था। और किसी भी ट्रेड को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो है सील्स का यूज़ किया जाता था। और क्योंकि उस टाइम पे जो है कॉइन्स प्रेजेंट नहीं होते थे, तो सील्स जो हैं वो ट्रेड को ऑथेंटिकेट करती थी। हर एक व्यापारी की अपनी एक अलग सील होती थी, जिससे एक दूसरे को वो पहचान जाते थे और किस चीज तरीके से, मतलब चीज़ों का लेन देन करना है वो उनको पता चल जाता था। तो ये जो सील्स होती थी, पिक्टोग्राफिक सील्स होती थी, पिक्चर्स इनके ऊपर बनी होती थी। तो इस जो ये स्क्रिप्ट में लिखा होता था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट। ये जो लिखी जाती है, पहले लेफ़्ट से शुरू होती है, फिर राइट से लेफ़्ट, कुछ इस तरीके से जो है लिखी गई है। अभी तक जो है इसको डिकोड नहीं किया गया है। बात करूँ इनके आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो ये बहुत ही अच्छा इनका आर्ट एंड क्राफ्ट था। रिफाइंड हाई क्वालिटी के जो है ब्रॉन्ज स्टैचू हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि जो डांसिंग गर्ल स्टैचू है, ये इसका जो इतना मतलब अच्छी फाइन ये है कि ये आज इसको कहाँ रखा गया है, नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में ये प्रेजेंट है। और इसको जो है कॉपर से बनाया जाता था, तो कॉपर की जो माइनिंग है वो कहाँ, खेतड़ी राजस्थान नामक जगह से की जाती थी। और साथ ही यहाँ पर जो है बेक्ड क्ले, जिसे कि हम टेराकोटा बोलते हैं, उसके क्या हैं कुछ टॉयज़ फिगर बनाए जाते थे। तो जैसे कि बुलॉक कार्ट बनाई, हॉर्सेस बनाए, तो इस तरीके की फिगरिंग भी हमें काफ़ी मिले हैं इस जगह से। और जो इनकी पॉटरी होती थी वो काफ़ी हाईली डेकोरेटेड पॉटरी होती थी, और साथ ही बीड्स, ऑर्नामेंटल रिंग्स वगैरह ये सब हमें देखने को मिले हैं। तो जो डांसिंग गर्ल स्टैचू है, उसने भी अपने हाथों के अंदर काफ़ी जो है रिंग्स और बीड्स पहन रखे हैं। तो मतलब इसे ये पता चलता है कि औरतें यहाँ पर सजती संवरती रही होंगी। तो ये सब था आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। बात करूँ इनके रिलीजियस बिलीफ की, तो यहाँ पर कोई भी हमें मंदिर देखने को नहीं मिलता। ये बिलीव करते थे एनिमिज्म में। एनिमिज्म मतलब जो कि जिंदा चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे, प्लांट्स, तो इन सभी की जो है एनिमल्स, इन सभी की ये क्या है पूजा में विश्वास रखते थे। तो ये एनिमिज्म में यकीन रखते थे, और ये पॉलीथिज्म में भी यकीन रखते थे, यानी कि एक से ज़्यादा भगवान की ये पूजा करते थे। तो जो ये पशुपतिनाथ जो ये सील है, इसके अंदर जो ये सेंटर में इंसान बैठे हैं, बोला जाता है कि ये प्रोटो शिवा हैं। तो इनके तरफ चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मतलब बुल है, हाथी है, सब जो है नतमस्तक होके झुके पड़े हैं इनके आगे। तो इनको जो है प्रोटो शिवा बोला जाता है। और जो ये मदर गॉडेस कल्ट है, ये हमें मोस्टली हर एक साइट से जो है पाया गया है। तो ये हर जगह मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो इसके साथ ज़रूर है। तो कल्ट ऑफ फेमिनिन जो वर्शिप है वो इस से जुड़ा हुआ है। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में एक साइट है, वहाँ पर क्या है हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये आग की जो है पूजा करते थे। तो फायर की भी पूजा होती थी। और साथ ही जो है हम्प्ड बुल हो गया, इसकी भी बहुत सील्स हमें मिली हैं, तो ये भी एक पवित्र पूजनीय जानवर रहा है इनके लिए। और साथ ही जो है बियर्डेड मैन, जो कि एक प्रीस्ट बोला जाता है उस टाइम का, उसकी भी हमें जो है ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है इसकी सील्स मिली हुई हैं, और साथ ही स्वास्तिक सील्स मिली हुई हैं। तो स्वास्तिक सील जो है देखिए आप कितनी पुरानी जो है ये IVC के टाइम से चली आ रही है। तो ये सारा कुछ था इनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में। अब बात करता हूँ इनके बरियल्स के बारे में, यानी कि जब कोई मरता था तो उसको किस तरीके से जो है बरी किया जाता था। पहला तरीका है क्रीमेशन, यानी कि उसको आग लगा के जला देना। दूसरा है कंप्लीट बरियल, यानी कि उसको मिट्टी में दफना देना। और तीसरा है पार्शियल बरियल, कुछ हिस्सा मिट्टी में रहेगा, कुछ बाहर रहेगा। तो इस तरीके के बरियल भी देखने को यहाँ मिले हैं। और लोथल, एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि लोथल में हमें क्या मिला था, पेड़ बरियल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
जब यहाँ पर एक्सकवेशन का काम चल रहा था तो स्केलेटन के साथ जो है कुछ हमें पॉट्स मिले जिनके अंदर कुछ ना कुछ सामान मिला है। तो बोला जाता है कि जिस तरीके से मतलब जो साउथ इंडिया में मेगालिथ थे उनमें वहाँ पर भी हमें कुछ साथ में उनके साथ बरिड किया जाता था, लोगों के साथ जो मर जाते थे, तो वो भी जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे साउथ इंडिया में मेगालिथ में। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ को देखा था। तो सेम IVC के लोग भी जो बोला जाता है लाइफ आफ्टर डेथ में यकीन रखते थे। तो ये सब था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 1 के बारे में। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे जो भी साइट्स हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वहीं से आता है एग्जामिनेशन में, तो उनको हम इस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई पर्सनल मैसेज में कुछ क्वेरी करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।